नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर जिले में सोमवार को 84 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,82,000 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 66 व्यक्ति कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए हैं। कुल रिकवर हुए मरीजों की संख्या 5,70,000 तक पहुँच गई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 1,500 तक पहुंच गई है। सोमवार को दर्ज किए गए मामलों में जिले के ग्रामीण अंचल के 24 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नागपुर शहर से 60 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में किसी की मौत नहीं हुई है। जिले का रिकवरी रेट 97.97% तक पहुँच गया है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले ये कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सोमवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 782 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक 10 जोन में 523 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ नागरिक उठा रहे हैं। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 134 शिकायतों में से 41, धर्मपेट जोन में 80 में से 51, हनुमान नगर जोन में 258 में से 256, धंतोली जोन में 85 में से 36 तथा नेहरू नगर जोन में 63 में से 49 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। नेहरू नगर जोन में 63 में से 39 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसी तरह गांधीबाग जोन में प्राप्त 39 शिकायतों में से 33, सतरंजीपुरा जोन में 45 में से 26, लकड़गंज जोन में 8 में से 6, आसीनगर जोन में 53 में से 23 तथा मंगलवारी जोन में 17 में से 12 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशानुसार इस साल महाराष्ट्र में गणेशोत्सव पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले को नागपुर शहर में भी लागू किया जाएगा। इस आशय के विचार मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने व्यक्त किए। राज्य सरकार द्वारा गणेशोत्सव के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तदनुसार गणेश मंडलों की अनुमति के लिए भरे जाने वाले 200 रुपए के शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा मुख्य निर्माताओं के मंडपों की फीस भी पूरी तरह माफ कर दी गई है। नागपुर महानगर पालिका के मंडलों के निर्माण के लिए उद्यान विभाग, संपत्ति विभाग और निजी भूखंडों पर लगने वाले शुल्क को भी माफ कर दिया गया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई की सीमा 4 फीट रखी गई थी, उस सीमा को हटा दिया गया है और सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में गणेश मूर्तियों के लिए अधिकतम ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पहले घरेलू गणेश मूर्तियों के लिए अधिकतम ऊंचाई की सीमा 2 फीट थी, लेकिन अब घरेलू गणेश मूर्तियों की ऊंचाई भी कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन मनपा आयुक्त ने इस बारे में अपील की है कि घरेलू मूर्तियों की ऊंचाई पर 2 फीट की ऊंचाई की सीमा का पालन नागरिक स्वेच्छा से करे। वर्ष 1950 से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक जानकारी एकत्र कर रहा है। इस वर्ष घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण कार्यक्रम जुलाई 2022 से जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के तहत नागरिकों के जीवन स्तर, उनकी खरीदारी की मानसिकता, भोजन, उपभोग्य सामग्रियों को मापा जाएगा। कार्यालय के निदेशक श्रीनिवास उपल्ला ने सोमवार को बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं पर खर्च, उपभोक्ता वर्ग की वरीयता, आपूर्ति और मांग और कई अन्य कारकों की भी जानकारी एकत्र की जाएगी। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नागपुर द्वारा 25 से 27 जुलाई 2022 तक प्रशिक्षण हॉल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तीसरी मंजिल सेमिनरी हिल्स नागपुर में घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण पर फील्ड प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के कर्मचारियों को सर्वेक्षण के बारे में सूचित करने हेतु आयोजित 3 दिवसीय शिविर के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उक्त सर्वेक्षण के आंकड़े सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उपभोक्ता को निर्धारित जानकारी प्रदान करने में भी मददगार साबित होता है। मूल्य सूचकांक सर्वेक्षण बाजार और उपभोक्ताओं की मानसिकता को समझने में भी ये उपक्रम मददगार साबित होगा। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने सोमवार को 11 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 67,000 रुपए का जुर्माना वसूला।
मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन वी के मार्गदर्शन में हनुमान नगर, धंतोली, गांधीबाग और सतरंजीपुरा जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में 6 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई और 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह 12 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। उपद्रव खोजी दल ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर हनुमान नगर जोन के अंतर्गत कुड़केश्वर रोड स्थित स्वास्तिक मार्ट दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला। धंतोली जोन के अंतर्गत जय दुर्गा सोसाइटी मनीष नगर में अपोलो फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। गांधीबाग जोन के अंतर्गत इतवारी में संस्कार बैग और इतवारी भंडारा रोड में सूरज बैग दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। सतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत जुना कामठी रोड में गौरव स्वीट दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह धंतोली जोन के अंतर्गत नरेंद्र नगर में सिग्नेचर रेसिपी होटल के खिलाफ होटल का कचरा निकटवर्ती परिसर में डालने पर और कचरा शुल्क न भरने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पूर्व नागपुर के विकास कार्य के लिए सरकार द्वारा दी गई निधि मेरी निधि है, ये कहते हुए मनपा अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने और गाली गलौज करने वाले विधायक अभिजीत वंजारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग का पत्र भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को दिया। उन्होंने गाली गलौज की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्हें दी और उनके खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी आरोपी द्वारा 3 से 4 वर्ष पूर्व लगाए गए बेंचेस पर पेंट मारकर अपना नाम लिखवाने का कार्य किया गया था। रिटायर होने वाले कोयला अधिकारी कर्मचारियों को पेंशन स्कीम का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें आज भी 25 वर्ष पूर्व तय किए गए पुराने नियमों के अनुसार पेंशन दी जा रही है, जो आज की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। ट्रस्टी की ना तो बैठक होती है और ना ही कोई निर्णय लिया जाता है। कोल कंपनियों ने रिटायर होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच गई है। राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के महासचिव SQ जमा ने पुनः इस मुद्दे को उठाया है। उनके प्रयासों को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी समर्थन मिला है और उन्होंने इस मुद्दे को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के समक्ष रखा है। कोल इंडिया की पेंशन स्कीम संबंधी अध्यादेश वर्ष 1998 में लागू किया गया था। हालांकि इस स्कीम में 1 अप्रैल 1994 में रिटायर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन इस स्कीम का पूरा लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। 25 वर्ष से कर्मचारी पुराने नियम के अनुसार पेंशन ले रहे हैं। पॉलिसी बनाते वक्त आश्वासन दिया गया था कि हर 3 वर्ष में नीति की समीक्षा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। CBSE 10वीं के परिणाम घोषित होने के बाद 11वीं प्रवेश की प्रक्रिया ने पूरी गति पकड़ ली है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक के प्रवेश के लिए भी पंजीयन शुरू हो गया है। अब तक विभाग 12,000 सीटों के लिए 11,765 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यही वजह है कि इस बार पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए वेटिंग जैसी स्थिति बन सकती है। इस बार स्टेट के साथ ही CBSE बोर्ड 10वीं का परिणाम भी अच्छा रहा है। अधिकांश छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इंजीनियरिंग की इच्छा रखने वाले अधिकांश छात्र 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं। इससे छात्रों को स्नातक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रवेश मिल जाता है। दरअसल स्टेट बोर्ड के परिणाम के बाद से ही पॉलिटेक्निक पंजीयन की शुरुआत हो गई थी। गत वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा अधिक छात्रों ने पंजीयन कराया है। राज्य में 1,01,224 सीटें उपलब्ध है, जबकि 1,40,269 आवेदन प्राप्त हुए हैं। CBSE परिणाम में देरी की वजह से पॉलिटेक्निक की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई। तकनीकी शिक्षा संचालनालय के निर्देशानुसार छात्र 28 जुलाई तक पंजीयन करा सकते हैं। वहीं मेरिट सूची पर आपत्ति के लिए 30 जुलाई से 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद अब OBC वर्ग के लिए प्रभागों में सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सोमवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की ओर से आरक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया। निर्देशों के अनुसार OBC और सर्वसाधारण महिला वर्ग के लिए 29 जुलाई की सुबह महल स्थित नगर भवन में आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके दूसरे दिन ही आरक्षण का प्रारूप घोषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते ही राज्य चुनाव आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर चुनावों की घोषणा होने के संकेत दिए थे।
बताया जाता है कि इसी उद्देश्य से अब ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जल्द से जल्द निपटाई जा रही है। जानकारों के अनुसार अमूमन आरक्षण का प्रारूप जारी होने के बाद इस संदर्भ में आपत्ति और सुझावों के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग के संकेतों के अनुसार कार्यक्रम जल्द घोषित होना है। यही कारण है कि ओबीसी और सर्वसाधारण महिला वर्ग के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाने के बाद आपत्ति और सुझावों के लिए केवल 4 दिन का समय दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के संयुक्त सचिव संजय सिंह ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल से सौजन्य मुलाकात पर परंपरागत भारतीय खेलों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की। शुक्रवार को संजय सिंह का वर्धा के सांसद रामदास तड़स के साथ विश्वविद्यालय में आगमन हुआ। उनके आगमन पर कुलपति प्रोफेसर शुक्ल ने उनका शाल व सूतमाला से स्वागत किया। उन्होंने कुश्ती के विकास के साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही। निकट भविष्य में कुश्ती का केंद्र खोलने को लेकर उन्होंने आश्वासित किया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल, प्रोफेसर चंद्रकांत रागिट, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार राय, दूर शिक्षा निदेशक डॉक्टर के बालराजू उपस्थित थे। हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेधावी छात्रों का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सत्कार कार्यक्रम में नागपुर महानगर पालिका के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने अपने संबोधन में बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ कौशल्य पर भी ध्यान देने पर स्वयोचित विचार रखे। इसके पश्चात सभी बच्चों का मेडल व सर्टिफिकेट देकर सत्कार किया गया। पूर्व मंगलवारी जोन के सभापति प्रमिला मथरानी ने सभी बच्चों को बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में उत्तर नागपुर प्रभारी संजय भेंडे, पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने, उत्तर मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी, पूर्व कर आकरणी सभापति महेंद्र धनविजय, पूर्व नगर सेविका सुषमा चौधरी, जितेंद्र ठाकुर, विक्की रघुवाणी, राजेश बटवानी, भाजपा नेता दौलत कुंगवानी, उषा दानी, मनीष दासवानी, डिम्पी बजाज, जय साजवानी, पूजा मेरियानी, सीमा मेश्राम, चिराग गोधानी व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बीते सप्ताह तहसील में हुई मूसलाधार वर्षा व जल संसाधनों से जल निकासी करने से खासकर नान परिसर में बाढ़ का पानी बस्तियों के घरों में समा गया। परिणाम स्वरूप घरों के साथ ही जीवनावश्यक वस्तु अनाज को भारी नुकसान पहुंचा। इन सब परेशानियों को झेल रहे परिवारों को सांत्वना देने के मकसद से उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान पस भिवापुर कार्यालय के अधीन जय महाराष्ट्र महिला प्रभाग संघ नान की महिला समूह ने आगे आकर क्षेत्र के 21 परिवारों को मदद करने की ठानी। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 2-2 क्विंटल गेहूं व चावल, 50 किलो दाल तथा 6000 रुपयों का आवश्यक सामान किराना एकत्रित किया तथा समान रूप से पीड़ित परिवारों को वितरित कर इंसानियत की अनोखी मिसाल कायम कर दी। इस कार्य को प्रभाग संघ अध्यक्षता नीलिमा वाघरे के हाथों पूरा किया गया। इनके साथ उम्मेद व्यवस्थापक आरती तिमांडे, समन्वयक दुर्गा नुनावत, आशीष देवके, सचिव रंजू झोड़ापे, कोषाध्यक्ष वंदना अम्बुलकर, सीआरपी वर्षा वाढ़ई, पूर्णिमा सावसाकड़े की उपस्थिति रही। उम्मेद के इस दुत उपक्रम की सभी ओर सराहना हो रही है। उम्मेद तहसील अभियान प्रबंधक रविंद्र शेंडे ने संकट समय में पीड़ितों को मदद प्रदान करने का आह्वान किया। इस साल लगातार बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है, सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। काटोल नरखेड़ तालुका में लगातार बारिश से सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। भारी बारिश से कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कपास के पौधे जड़ से सड़ने की स्थिति में है। लगातार हो रही बारिश से फसल की तुलना में खरपतवार काफी हद तक बढ़ गई है, इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान बेहाल हो गए हैं। इसके अलावा पहली बारिश में मूंग और उड़द गए हैं। भारी बारिश के कारण दोनों तालुकाओं में संतरे और मौसम्बी का भी भारी नुकसान हुआ है। 50% से अधिक संतरे और मौसम्बी नष्ट हो गए हैं। लगातार बंजर होने से किसानों की स्थिति पहले से ही खराब हो चुकी है। बारिश ने बमुश्किल बोई गई फसल को बहा दिया है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता ऋषभ वानखेड़े ने मांग की है कि सरकार को नुकसान झेलने वाले किसानों की तुरंत मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की ओर से ऋषभ वानखेड़े ने सोयाबीन के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टर, कपास के लिए 60,000 रुपए प्रति हेक्टर और संतरे के लिए 1,00,000 रुपए प्रति हेक्टर मुआवजे की मांग की है। भारतीय रेलवे में आजादी का अमृत महोत्सव भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आजादी की अमृत महोत्सव की प्रस्तावना के रूप में मध्य रेलवे 18 से 23 जुलाई 2022 तक मध्य रेलवे के विभिन्न
डिवीजनों और स्टेशनों पर आजादी के थीम पर आधारित रेलगाड़ी और स्टेशनों के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली से कार्यक्रम को संबोधित किया और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के साथ बातचीत की। राव साहेब दादाराव दानवे पाटिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के साथ बातचीत की। समारोह को दो तरफा संचार लिंक के साथ लाइव स्ट्रीम किया गया और वर्धा स्टेशन पर भी कार्यक्रम को दिखाया गया। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में वर्धा स्टेशन पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगन्नाथ महोदय के पुत्र श्रीनाथ महोदय एवं स्वर्गीय मुन्नालाल शाह के पुत्र मोहन शाह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रीनाथ महोदय ने अपने संबोधन में अपने पिता को सम्मानित करने के लिए रेलवे प्रशासन का धन्यवाद किया। उत्तर नागपुर राजीव गांधी नगर ब्लॉक 15 में मोहम्मद अल्ताफ शेख ने नेत्र शिविर लेकर प्रभाग 3 व 4 की जनता की नेत्र की जांच करवाकर दवाइयां और चश्मे वितरण कर मोतिया बिंदु का ऑपरेशन लेंस द्वारा मुफ्त किया गया। हजारों लोगों ने इस सेवा का लाभ लिया। इस अवसर पर उत्तर नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत, ब्लॉक 15 के अध्यक्ष मूलचंद मेहर, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की शहर उपाध्यक्ष शाहिदा खान, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की सचिव शेख आसिफ पटेल, गरीब नवाज खिदमत कमेटी के अध्यक्ष आहद खान, शेख साबुद्दीन मकसूद पटेल, राजेश कोहट, दशरथ मालवी, हाजी शेख सिकंदर ने शिविर के आयोजन मोहम्मद अल्ताफ शेख और शिविर में सेवा देने आए ग्रेस हॉस्पिटल के डॉक्टर नीलेश गद्देवर, डॉक्टर प्रिया मामिडवर शॉल एवं पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया और मोहब्बत अल्ताफ शेख को जन्मदिन की मुबारकबाद। इस अवसर पर सर्वश्री केसर बेग, अनु बेगम, सलमा प्रवीण, अब्दुल सत्तार साहब, शहजाद खान, एजाज भाई, सुनील बेशराम, साजिद खान सहित सभी ने मोहम्मद अल्ताफ शेख को उम्रदराज रहने की दुआएं दी व बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे। चातुर्मास का समय तपस्या और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय जैन साधु साध्विया एक क्षेत्र में विराज कर खुद साधना करते हैं और श्रावक श्राविकाओं को साधना की प्रेरणा देते हैं। साधना का जैन धर्म में बहुत महत्व है। इसमें 24 तीर्थकारों की स्तुति करते हुए साधना की जाती है। चातुर्मास काल में साधना हेतु MPK फिटनेस क्लासेस के संस्थापक प्रेक्षा प्रशिक्षक आनंदमल सेठिया द्वारा 2 अति शानदार श्रृंखलाओं का शुभारंभ किया गया। प्रेक्षा प्रशिक्षक अलका सांखला सूरत द्वारा साध्वी पुण्य यशाजी एवं साध्वी डॉक्टर दिव्य प्रभाजी को पुस्तकों पर आधारित लॉक्सस साधना श्रृंखला प्रति मंगलवार को सुबह 6:30 बजे प्रारंभ की गई। दूसरी श्रृंखला आचार्य महाप्रज्ञा जी की पुस्तक अमूर्त चिंतन पर आधारित कोलकाता से प्रेक्षा प्रशिक्षक मंजू सिपानी द्वारा प्रारंभ की गई है। इससे भावना और अनुप्रेशा की साधना कराई जा रही है। इसके अलावा देश विदेश से प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा प्रति रविवार सुबह 9 बजे स्वास्थ्य और फिटनेस से संबंधित विशेष वेबिनार आयोजित हो रहे हैं। अन्य दिनों की क्लासों में देश विदेश से कुशल प्रशिक्षकों द्वारा ध्यान व योग के प्रयोग कराए जाते हैं। पिछले 2 सालों से कल्याणम योग केंद्र सूरत द्वारा कक्षाओं के संचालन में पूर्व सहयोग मिल रहा है। सूचना आयुक्त राहुल पांडे के निर्देशानुसार शंकर गुलानी के प्रकरण में महानगर पालिका के आसीनगर जोन द्वारा महानगर पालिका के टैक्स विभाग में जारी अफरा तफरी के संबंध में गुम हुए रिकॉर्ड की शिकायत पाचपावली पुलिस से की गई। कर विभाग से कुछ संपत्तियों की फसल गायब होने के प्रकरण में पाचपावली पुलिस ने मनपा जोन के कार्यालय में कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रिकॉर्ड कीपर और संबंधित जिम्मेदार लोगों को इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। जोन कार्यालय के सहायक अधीक्षक अनिल बिहारी लाल कराड़े 56 वर्षीय की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। शंकर गुलानी नामक व्यक्ति ने सितंबर 2013 में सूचना का अधिकार कानून के तहत महानगर पालिका के आसीनगर जोन कार्यालय से 3 संपत्तियों को फाइलें मांगी थी। मनपा के अपीलीय अधिकारी ने जानकारी दी कि इन 3 संपत्तियों की फाइलें उपलब्ध नहीं है। इसके बाद लगातार गुलानी RTI डालते रहे और मनपा के अधिकारी उन्हें टालते रहे। जनवरी 2015 में गुलामी ने राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ में अपील की। सुनवाई के बाद मनपा अधिकारियों को शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए गए। तत्कालीन निरीक्षक अक्षय रेवस्कर और चंद्रशेखर मोहिते ने शपथ पत्र तो दिया, लेकिन उसमें घर क्रमांक गलत डाले गए थे। इसके बाद दोबारा अपील की गई। केंद्र सरकार द्वारा उर्दू भाषा और उर्दू पुस्तकों के अध्ययन को बढ़ावा देने और पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाने के लिए नेशनल काउंसिलिंग फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की कई योजनाएं चलाई जा रही है।
जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना के तहत उर्दू पुस्तकों और पत्रिकाओं वाली एक मोबाइल बस देश के विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में वर्ष भर यात्रा कर लोगों को उचित मूल्य पर पुस्तक प्रदान करती है। यह मोबाइल बस शहर के रुईगंज मैदान लोगों के सेवार्थ सोमवार से खड़ी है। विदर्भ एजुकेशन फोरम कामठी के अध्यक्ष व कामठी पत्रकार परिषद सह सचिव अनवारुल हक पटेल ने सभी उर्दू संस्थानों और उर्दू भाषा और साहित्य के प्रेमियों से इस योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की है। स्थानीय यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी एवं फिक्र फाउंडेशन द्वारा संचालित मिशन UMS फिक्र इंडिया पढ़े हम पढ़ाए हम अध्ययन केंद्र राजनगर झोपड़पट्टी में निशुल्क विशाल स्वास्थ्य एवं खून जांच शिविर हाल ही में संपन्न हुआ। इस स्वास्थ्य शिविर में स्थानिक राजनगर मलिन बस्ती के 200 से अधिक बच्चों एवं महिलाओं ने अपनी जाँच कराई एवं उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। मिशन UMS फिक्र इंडिया पढ़े हम पढ़ाए हम परियोजना अब गरीब बच्चों के स्वास्थ्य पर कार्य कर रही है। यह स्वास्थ्य जांच शिविर नागपुर की प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सबा अहमद, जनरल फिजिशियन डॉक्टर सबिया शाहिद खान, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जुबेर काजी, डॉक्टर फैजान अहमद आदि चिकित्सकों के नेतृत्व में लिया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त चंद्रकांत उदगीरकर, सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त जलीम अहमद, समाज सेवी व्यवसायी पाई सिंह रेणु, साहिल खान, समाज सेवी अविनाश दोरसटवार, सेवानिवृत्त सहायक पुलिस इंस्पेक्टर जफर शेख, युवा समाज सेवी अमित शर्मा, फिक्र फाउंडेशन के अध्यक्ष सलमान अहमद, सचिव शाजिया अहमद, मोहतरमा हुमा जमील अहमद, हरमित कौर रेणु आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। फिक्र फाउंडेशन की उपाध्यक्षा युवा समाज सेवी नागपुर की प्रख्यात बाल रोग तज्ञ डॉक्टर सबा अहमद ने कहा कि बदलते मौसम में विशेषकर बारिश के मौसम में अनेक बीमारियां जन्म लेती है। सर्दी खांसी जुकाम जैसे तरह तरह के वायरल इस मौसम में अपना प्रकोप बरपाते हैं जिसकी चपेट में सबसे पहले बच्चे आते हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए VKB News। नमस्कार।